श्रावणी मास में सभी शिव मंदिरों की रौनक काफी बढ़ गई है, खासकर प्राचीन मंदिरों की महत्ता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे ही मंदिरों में से एक है बांका जिले का धौरैया प्रखंड के मकैता बबूरा पंचायत अंतर्गत धनकुरनाथ शिव मंदिर, जो भागलपुर बांका जिले की सीमा पर अवस्थित सनहोला जगदीशपुर मुख्य सड़क मार्ग के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में धनकुरनाथ भागलपुर बांका जिले व गोड्डा जिले के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। दंत कथाओं के अनुसार धनकुर शिव मंदिर का इतिहास धनु और मनु नामक दो भाइयों से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि एक बार दोनों भाई इमली वन में भटक गए थे। इस दौरान छोटे भाई मनु को बहुत जोर से भूख लग गई। ऐसे में बड़े भाई धनु ने भाई प्रेम के खातिर जंगल में कंदमूल और फल खोजना शुरू किया। और इस दौरान एक पेड़ की जड़ से लिपटा हुआ कंदमूल दिखा। धनु ने उसे पाने के लिए प्रहार किया तो उससे रस के बदले खून की धार फूट पड़ी। इसे देख दोनों भाई वहां से भाग निकले, लेकिन ईश्वर की महिमा ही कही जा सकती है कि वो दोनों जहां भी जाते कंद वहीं आकर खड़ा हो जाता। अंततः हार कर दोनों भाई सो गए तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि यहां पर भगवान शिव विराजमान है और पूजा करने की बात कह रहे हैं। और आँख खुलते ही धनु ने कुंड के करीब खुदाई की तो उस दौरान कंद के भीतर से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। इसके बाद स्थान का नाम धनकुंड पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से यह जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। अब मंदिर के पुजारी मटरू बाबा ने बताया कि उनके पूर्वजों के अनुसार यह पवित्र स्थल पहले इमली जंगलों से घिरा हुआ करता था और धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह स्थल काफी प्रसिद्ध हो गया। आगे इस वीडियो में सुनिए कि उन्होंने इस मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है। बहुत दिन पहले यहाँ आए थे, जंगल था, घनी जंगल। इस जंगल में भूख लगे तो क्या खाएंगे, चपरा का धौन था, खमरवा नाम का होता है, उसको खारने लगे। वो खारने लगे, उखाड़ते उखाड़ते खमरवा ना कटे, बाबा के मस्तक पर कट गए, खून जाने लगे। बाबा खून जाने लगे, हम लोग का पूर्वज भागना शुरू कर दिया। उनका नाम था धन्य और मनु जी। भागना शुरू कर दिया, भागने भागते तो सांस को यहीं घूर के चला गए। 14 दिन जंगल में घूर करके उसी के जब आने लगे, उस जगह कल जोड़ करके खड़ा हो गया कि यहाँ कौन देवता कौन है भाई, क्या मेरा कसूर हुआ। तो महादेव प्रकट हुआ कि आज तुम मुझे जगा करके तू जा रहा, तुम्हें तो पूजा करना होगा, क्योंकि हम राजपूत हम पूजा नहीं करेंगे, हम मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मेरे से तामसी भोजन की हार करते हैं, मैं पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी पूजा से मैं खुश हूँ। आज से इसका नाम रहेगा बाबा धनकुंड नाथ, धनु के नाम से बाबा धनकुंड नाथ गाँव है, उसी का मैं वंशज हूँ। आज तक जन्मों जन्मों से पूजा हो रहा है और आज तक धूमधाम के साथ। अच्छा, ये मैंने यहाँ लोग कहते हैं कि जो है कोई भी शुभ कार्य करने के पहले बाबा धनकुंड नाथ का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ, लेना जो सबसे पूरा कर देता है, धन बन सब जय जयकार कर देता है। ये बाबा स्वयं शंभु नाथ है, ये जो है ना स्वयं शंभु नाथ है जी, और धरती पर नहीं है, धरती से 2 इंच एकदम चौतरफ जो है ना एकदम पताल तक जो है ना एकदम थोंक है जी। उसमें कितना भी सिक्का जाएगा वो भरबीन करता है, इसलिए उसमें हम कपड़ा दे देते हैं जी। बाबा की कृपा अधन है, बाबा धनकुंड नाथ है महादेव। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा करत खलमल धनी कमला चमर डोले, श्री धनकुंड नाथ विश्वंबरम। धनकुंड नाथ के जो करत स्तुति मिटत पाप विनाशनम। दर्शन देहो दानी बाबा, दर्शन देहो दानी बाबा, दलित सब नाशनम। ओम नमः शिवाय। बाबा धनकुंड नाथ में लोगों के बहुत बड़ी आस्था है, यहाँ दूर दूर से भक्तजन आते हैं और अपने मनोकामना को प्राप्त करते हैं। उन लोगों के मन में ये आस्था है कि जो भी बाबा से मांगते हैं वो प्राप्त होते हैं, और बहुत श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ धनकुंड नाथ में। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लोग जब इस एरिया के जो किसान हैं आसपास अपनी फसल, चाहे वो बुआई हो या कटाई का समय हो, तो वो पहले बाबा धनकुंड नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, जब भी किसान अपने नया फसल लगाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के पास जाएंगे, वहाँ जल अर्पित करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जब फसल तैयार हो जाते हैं तो कटाई से पूर्व भी बाबा के पास दरबार में जाते हैं और फिर वहाँ पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं। हम लोग बाबा धनकुंड का बिना आशीर्वाद लिए कोई काम नहीं करते। बाबा धनकुंड नाथ का महिमा अपरंपार है,
बिना आशीर्वाद लिए कोई काम नहीं होता है। जैसे एक तो खेती हो गया और कुछ शादी ब्याह जो भी कार्य है बिना आशीर्वाद धनकुंड बाबा के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता। धनकुंड नाथ यहाँ पर हम लोगों के आसपास में जो पड़ता है यहाँ पर हम लोगों के आस्था जो है इन पर बहुत पुरानी है और सदियों से हम लोग देखते आ रहे हैं कई पीढ़ियों से कि इन पर बहुत भारी लोग आस्था लेकर वहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी मान्यताएं वहाँ पर पूरी करवाते हैं। होता ये कि जब कभी भी लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि हमें कोई आपदा विपदा होती है तो लोग वहाँ पर जाके मान्यताएं मांगते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम यहाँ जल अभिषेक करेंगे या और पूजा अर्चना करेंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पर हम लोगों को जब भी ऐसा किया है तो मान्यताएं पूरी हुई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।